आसी नगर जोन अंतर्गत आने वाले बगदादी नगर के निवासियों ने मनपा के आए तोड़ू दस्ते के सामने आंदोलन कर अतिक्रमण का विरोध किया। मंगलवार को मनपा की ओर से शहर के बगदादी नगर में अतिक्रमण कार्रवाई की गई। मनपा का कहना है कि इस परिसर के मकान अनधिकृत है, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है, मगर मनपा के आदेश का वहां के नागरिकों ने खंडन करते हुए कार्रवाई का विरोध किया। वहां के रहवासियों का कहना है कि यह जमीन मस्जिद की है और इसके लिए हमने पैसे भी भरे हैं, साथ ही हम सभी मनपा को घर कर भी देते हैं। ऐसे में हमारी जगह कैसे अनधिकृत हो सकती है? कोरोना जैसे महामारी में ये लोग हमारे मकान को तोड़ने आए हैं, अब हम कहां जाएं? 91 में ये मस्जिद ने सेल की थी बाकायदा, अभी भी कागजात वगैरह सारे 228 प्लाट को सेल की थी हमने, कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं किए, यहाँ पर खरीदा हुआ है बाकायदा। और यहाँ पर हम लोग कब से, जब से बैठे तब से टैक्स वगैरह पटा रहे, तब नहीं दिख रहा था कि अनलीगल बना हुआ है। टैक्स लेते तो मतलब कॉरपोरेशन को नहीं आया कि ये बनाए हैं, तब टैक्स क्यों ले करके? नहीं नहीं कोई नोटिस नहीं, बल्कि बाकायदा टैक्स की ले जाते थे, फोटो खींच के और टैक्स लेते थे हमसे। हमको ये मकान बेचे, हमने खरीदे, हमने रजिस्ट्री मांगे, अभी रजिस्ट्री नहीं होती, हमको जरूरत थी, हम बेघर थे, इसलिए हमने यहाँ घर बना के अपने मकान बना के यहाँ आ चुके। अब ये रजिस्ट्री नहीं होने का स्थित होती तो हमको जरूरत थी, हमने मकान बनाए, अपने यहाँ आ चुके। अब हमको हर तरीके से इस चीज का हल चाहिए, और ये महामारी में इतनी मुश्किलों में आज हालात घिरे हुए हैं, हर इंसान परेशान है, हर इंसान बेरोजगार हो चुका है यहाँ का। अभी दुनिया में यही चल रही है, इतनी परेशानी में कि सरकार चाहेगी कि हमको हमारे मकान तोड़ दिया जाए? क्या सरकार को खर्चा नहीं आएगा इस चीज का? रहम करो हम पे, कम से कम इस गरीबों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखो। हमारे पास एग्रीमेंट है, आज हमने कोई इस पे अवैध तरीके से यहाँ कब्जा करके बैठी हुई लोग आवाम नहीं है यहाँ। हमने यहाँ एक डेथ हो चुकी है फांसी लगा के, कई लोगों को अटैक आ चुका है यहाँ, कई लोग बीमार हो चुके हैं यहाँ ये मामले में। आज तुम एक घर घर में अंदर जाके देखो, कोई बीमार पड़ा है, कोई कुछ पड़ा है यहाँ। कितने मुश्किलों से हम यहाँ गुजरे हुए और कितने मुश्किलों से हमने अपने घर बनाए। जो भी उन लोग डी लगाते हैं या जो हमको कंपाउंडिंग लगाते हैं, हम वो भरने को तैयार है, मगर हम गरीबों को ऐसा मत करो, सब रोड पे आ जाएंगे। और हमारी कोई अभी कोविड पीरियड में हमारी कोई इनकम नहीं है, सब गरीब लोग हैं, आप जाके बेरोजगार हो चुके हैं, इस वक्त में किसी की कमाई नहीं है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं इस वक्त में। हमारी टीम ने और लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम सभी पिछले 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं। जब चंद्रशेखर आयुक्त थे तब उन्होंने 1000 रुपए भरने को कहा था और हमने वो भरे भी थे। हमारे पास पुराने कागजात है। न्यायालय ने साहिल सैयद के पिता के जमीन पर निर्णय दिया, मगर मनपा सभी घरों पर हथौड़ा चला रही है। नागपुर सुधार पन्ना सर, नागपुर कॉरपोरेशन महानगर पालिका ने हमारे घरों को तोड़ने के लिए यहाँ पर नोटिस भेजा और उसके बाद में हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए जेसीपी, पोकलैंड वगैरह सब भेज दिया। इसका कारण ये है कि हम यहाँ पर जो बस्ती में हम रहते हैं उस बस्ती को ये लोग अनऑथराइज मानते हैं, जबकि ये बस्ती सतरंजीपुरा बड़ी मस्जिद कमेटी ने सन 1991 में बेचा और उसका एग्रीमेंट लेटर और उसके सारे पैसे का जो ट्रांजेक्शन हुआ वो हमारे पास आज भी मौजूद है, मगर इतना है कि वो डॉक्यूमेंट कच्चा है और उनके लेटर हेड के ऊपर में वो डॉक्यूमेंट है और वो लेटर हेड के अंदर में सतरंजीपुरा बड़ी मस्जिद कमेटी के सारे साइंस और उनके थप्पे लगे हुए हैं। उन कागजातों को लेकर के हमने ऑलरेडी सन 2000 में नागपुर सुधार प्रन्यास से डिमांड आरएल की मांग की थी। उसके बावजूद जब चंद्रशेखर जी आए थे तो उन्होंने हम पूरे लेआउट वालों को बोला था कि आप 1000 रुपया भर दो, हम आपके लिए डिमांड करवाएंगे। हमने पूरे लेआउट वालों ने 1000 रुपया ऑलरेडी भर चुके। इसका कारण ये है कि साहिल सैयद के बाप ने एक रिट पिटीशन डाला हुआ है कोर्ट के, हाई कोर्ट के अंदर में, जिसके एवज के अंदर में नागपुर सुधार पन्नास और कॉरपोरेशन के अधिकारी और उनके वकीलों ने जो उस आदेश का जो ट्रांसलेशन किया है वो ट्रांसलेशन बहुत गलत किया है, जबकि हाई कोर्ट ने आदेश सिर्फ सैयद साहिल के बाप के लिए किया और उसको 2 प्लॉट के मैटर के लिए वो आदेश किया था, उसके अलावा वो मैटर हमारे लेआउट के लिए था ही नहीं। मगर मुंडे जी के संबंध साहिल सैयद के साथ और बावन कुड़े जी और सुधाकर राव देशमुख के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे घनिष्ठ होने के कारण बावन क्या बोलते अपना मुंडे जी ने इस आदेश को सीधा हमारे 288 प्लॉट धारकों के ऊपर में ला करके खड़े कर दिया और उनको बोला है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 288 प्लॉट धारकों को आप डिमोलिश कर दो।
लोगों का विरोध देख भले ही अब मनपा का दस्ता चला गया हो, मगर इन लोगों के भविष्य का क्या होगा, यह सवाल खड़ा होता है। सही में अनधिकृत जगह पर इन लोगों के मकान बनाए होंगे तो साहिल सैयद का मामला सामने आने के बाद ही मनपा इस बात की जानकारी कैसे मिली कि ये भी अनधिकृत है और इससे पहले क्यों कार्रवाई नहीं की गई? ऐसे कई सवाल अब मनपा पर खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, इन बीसीएन न्यूज नागपुर।